छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सड़क की खस्ता हालत लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। आलम यह है कि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का आरोप है कि इस सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारी को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, जिसके चलते आज ग्रामीणों का गुस्सा उबाल ले गया। ग्रामीणों ने सड़क की खस्ता हालत ठीक ना करवाने पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के जिला सूरजपुर के ग्राम धोंदा का है, जहां अंबिकापुर से बनारस के लिए एक मुख्य मार्ग है जो ग्राम धोंदा वाडफ नगर से होकर गुजरती है, लेकिन रोड की हालत इतनी खराब हो गई है कि पैदल चलना भी मुश्किल लगता है। बता दें कि सड़क की खस्ता हालत को लेकर ग्रामीण अनुविभागीय अधिकारी प्रतापपुर को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन सड़क की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। आज ग्रामीणों का गुस्सा उबाल ले गया और ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जाम की सूचना अधिकारियों को मिलते ही मौके पर अनुविभागीय अधिकारी प्रतापपुर मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आपकी समस्या का समाधान होगा, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए और उन्होंने जाम खोल दिया। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। में चक्का जाम हुआ है, रोड जो खराब है उसको लेकर, इसमें आश्वासन में आपने क्या कहा इन लोगों से? देखो क्या है, कुछ रोड को लेकर यहाँ पे इशू था, तो PWD के जो जिला बलरामपुर है वो देख रहे हैं, उनसे बात हुई है, वो लोग इनकी समस्या को अवगत हुए हैं और शीघ्र ही इनकी समस्या का हल करेंगे। सर ये समस्या तो लंबे समय से चला आ रहा है सर, एक बनारस रोड है, एक मात्र लौता रोड है, इस टाइप का समस्या सर, इसको त्वरित निराकरण कराने का क्या निर्देश दिए? वही अभी जो हुआ है कि इन लोगों का मांग था कि थोड़ा धूल उड़ रहा है तो पानी उन्हें छिड़काव हो जाए, तो अपन निर्देशित कर दिए हैं और कल से ये लोग पानी उन्हें छिड़काव कार्य जो है शुरुआत करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।